अगर तुम्हें इस वाले AI टूल के बारे में नहीं पता तो तुम फोटो एडिटर कभी नहीं बन सकते। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी नॉर्मल की फोटो को इस तरह का सिमेटिकली एक्सपेंड कर सकते हो AI की मदद से। आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट फोटो डालनी है, वन क्लिक में आपकी पूरी की पूरी फोटो इस तरह की बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम कैसे किया है या किस तरह करेंगे ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बातों में आपका भाई पहले भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। और हाँ, कहां से वीडियो देख रहे हो, अगर इंडिया से देख रहे हो तो स्पेशली नीचे कमेंट जरूर करते जाना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो आपको करना क्या है, अपनी फोटोज में चले जाना और अपनी उस वाली फोटो को सेलेक्ट करना है जिसके आपको एक्सपेंड करना है बैकग्राउंड, जिसको आपको अच्छा बनाना है, ठीक है। ये वाली मेरी फोटो थी, तुमने देखा इसको जो है ना हम कैसा ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैं तुम्हें क्या करना है, इस एप्लीकेशन में इसका नाम है हाईपिक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें आपको आके अपनी फोटो कर लेना है इंपोर्ट, ठीक है। तो मैं अपनी इस वाली फोटो को इंपोर्ट कर लूँगा। तो इस फोटो को इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एडजस्ट का, तो तुम्हें एडजस्ट पे क्लिक करना है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आएगा, तुम्हें क्रॉप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तुम्हारी फोटो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रॉप है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से जाना होगा AI एक्सपेंड पे। जैसे AI एक्सपेंड पे क्लिक करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अपनी फोटो का साइज़ बढ़ा घटा सकते हो कि तुम्हें कितना साइज़ चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना ही रखूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, जनरेट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये AI की मदद से जो है ना कुछ भी हमारी फोटो से मिलता जुलता इन्वायरमेंट बना देगा। अगर आपको खुद से कुछ जनरेट करवाना है, माउंटेन्स पहाड़ वगैरह करवाना है, तो तुम यहाँ पे प्रॉम्प्ट वगैरह भी लिखते हो तो जो है ना पीछे ये पहाड़ वगैरह बना देगा। बाकी ये इतना रियलिस्टिक बनाएगा कि तुम्हारी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेता है। ये जो है ना हमारी फोटो को जनरेट कर दिया, तो पहला रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये दूसरा काफ़ी अच्छा है, एंड तीसरा मतलब उसने कहाँ पे बिठा दिया। बाकी हमें जो है ना ये वाला दूसरे वाला बहुत अच्छा लगा है, तो हम क्या करेंगे इसे हम कर लेंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद हाँ मे भी रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फोटोज़ को ख़राब भी कर सकता है। तो आपको टेंशन की बात नहीं, आपको फिर दोबारा इसे जनरेट कर लेना है, अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो। और हाँ, ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर से मिल जाएगी। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसके लिए आप जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, वो बात की बात है कैसे करना है, यहाँ पे कुछ इशू भी होते हैं। तो हम अपनी फ़ोटो कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद हम इसकी जो है ना हल्की फुल्की कलर ग्रेडिंग करेंगे लाइट रूम में जाकर। हमने अपनी फोटो को लाइट रूम में इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे मैं एक प्रीसेट का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने नीचे ये बना कर रखा था, काफ़ी अच्छा प्रीसेट था, ये है येलो ग्रीन, ठीक है। तो ये प्रीसेट मैं आपको दे दूंगा, अगर आप नीचे कमेंट करोगे प्रीसेट तो तभी जाकर मैं आपको ये प्रीसेट दूंगा। देखो पूरी की पूरी फोटो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से AI की मदद से हम जो है ना अपनी कमाल की अच्छी अच्छी फोटोज़ को बना सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।